दोस्तों शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे ड्वेन जॉनसन के बारे में ना पता हो। ज्यादातर लोग इन्हें WWE रेसलर द रॉक के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि ड्वेन जॉनसन से द रॉक तक की जर्नी इनकी कैसी होगी? वेल हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड में। मैं हूँ आपकी होस्ट सैमी और आज के वीडियो में हम ड्वेन जॉनसन के लाइफ के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फेवरेट एक्टर का नाम कमेंट में जरूर लिखना। ड्वेन जॉनसन का जन्म 2 मई 1972 को अमेरिका के हेवुड कैलिफोर्निया में हुआ था। ड्वेन जॉनसन के फादर रॉकी जॉनसन एक प्रोफेशनल रेसलर थे और उनकी मदर अदा माविया भी एक फेमस फीमेल रेसलर थी। जॉनसन एक प्रॉपर एथलीट फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलने का फैसला किया ड्वेन ने और 1990s में जाके उन्होंने रेसलिंग फील्ड में प्रॉपर करियर बनाया। जॉनसन बहुत जल्दी ही ऐसे फेमस रेसलर बन गए थे जिसे हर कोई देखना चाहता था। उन्होंने काफी जल्दी उस मुकाम को हासिल कर लिया था उनकी बेहतरीन पर्सनालिटी और बॉडी के वजह से। साल 2000 में ड्वेन जॉनसन ने द ममी और द स्कॉर्पियन किंग से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। हालांकि उनकी सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी फास्ट 5 जो 2011 में रिलीज हुई थी काफी सक्सेसफुल रही थी और उस मूवी में ड्वेन जॉनसन ल्यूक हॉब्स के रोल में नजर आए थे। वेल फास्ट 5 फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की ही एक मूवी थी। इस मूवी ने तो जैसे जॉनसन के एक्टिंग करियर में एक्स्ट्रा स्टार्स ऐड कर दिए। इसके बाद जॉनसन ने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुमांजी, मोआना, स्काईस्क्रैपर, हॉब्स एंड शॉ और सेंट्रल इंटेलिजेंस जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी से अपने फैंस का दिल जीत लिया। एक्टिंग करियर के साथ साथ उन्होंने अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई 7 बक्स प्रोडक्शन के नाम से। काफी लोग सिर्फ उनके एक्टिंग और रेसलिंग से ही नहीं बल्कि उनके अच्छे कामों की वजह से भी उनको पसंद करते हैं। उनका ड्वेन जॉनसन रॉक फाउंडेशन नाम से एक NGO भी है जहां पर वो बच्चों और एडल्ट्स जो हैंडीकैप या बीमार होते हैं उनकी काफी मदद करते हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जॉनसन के काफी फॉलोअर्स मिलेंगे जो उन्हें पसंद करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशनल पोस्ट और फिटनेस के प्रति उनके कमिटमेंट ने लाखों लोगों को दुनिया भर में बहुत इंस्पायर किया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने सक्सेसफुल करियर के अलावा जॉनसन उनके वर्क एथिक्स और डिसिप्लिन के वजह से भी जाने जाते हैं। ड्वेन जॉनसन ने अपनी जिंदगी में हर वो चीज फेस की है जो हम सब करते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, फेल्ड फुटबॉल करियर और सीरियस इंजरीज। इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ड्वेन जॉनसन आज सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी में से एक है हॉलीवुड में और आज उनकी नेट इनकम $820 मिलियन है। वेल आज के टाइम में जॉनसन खुद 3 बेटियों के पिता है और उन्होंने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स और कैसे उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स से फाइट किया ये सारी चीजें खुल के मीडिया में शेयर की है ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सके जिंदगी में लड़के जीतने के लिए, ना कि हार मान के रुक जाने के लिए। अगर आप WWE देखते हैं तो ड्वेन जॉनसन अभी भी आपको दिखाई देते रहेंगे रिंग्स में। क्या आपने द रॉक वर्सेस जॉन सिना का लाइव मैच देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में जरूर बताओ। सो गाइज, अगर आप ड्वेन जॉनसन को सच में पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।